इस दिवाली को मनाए रावत स्टोर्स की आकर्षक सेल के साथ। छतरपुर का आपका अपना विश्वसनीय संस्थान रावत स्टोर्स लाया है दिवाली की खरीदी पर आकर्षक डिस्काउंट। ऑनलाइन से सस्ता और विश्वसनीय संस्थान रावत स्टोर्स। यहां पाएंगे हॉकिंस प्रेस्टीज, विनोद, मेयर के कुकर्स, नॉनस्टिक कुकवेयर्स, ट्राई प्लाई कुकरवेयर की संपूर्ण रेंज आकर्षक डिस्काउंट के साथ। लाओपालो, रॉक्स, बोरोसिल, टेरियो के साथ हाइलक्स, बाइट गोल्ड की इंपॉर्टेंट कुकरी की विशाल रेंज, मिल्टन, सेलो, जेपी, ऋषभ कंपनियों की संपूर्ण रेंज, स्टील, पीतल, कांसा, तांबा बर्तनों की आकर्षक श्रृंखला के साथ आकर्षक डिस्काउंट। रावत स्टोर्स पर है इतना कुछ कि आपकी दिवाली हो जाएगी शानदार। तो चले आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पता वही है, रावत स्टोर्स, उपभोक्ता भंडार के पास, चौक बाजार, छतरपुर। फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, नंबर है 9131466011। दीपावली महोत्सव के पहले दिन जिस धनतेरस पर्व पर शहर के व्यापारिक क्षेत्र में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी, वहां इस बार अपेक्षा अनुरूप ग्राहक नहीं पहुंचे। ऑनलाइन सेल के कारण स्थानीय बाजारों में लगातार नुकसान हो रहा है। व्यापारी कहते हैं कि देश में बढ़ती महंगाई और किसानों की फसलों के खराब हो जाने के कारण भी इस बार का व्यापार ठप रहा। चौक बाजार क्षेत्र में बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सजावटी सामग्री और ज्वेलर्स की दुकानों पर धनतेरस के दिन भी दुकानदार ग्राहकों को तरसते रहे। बर्तन व्यापारी कल्लू रावत कहते हैं कि धनतेरस पर बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार आराम से बैठे हैं। ग्राहक की सोच में परिवर्तन आया है। त्योहार पर शौक से खरीदारी करने वाले ग्राहक लापता हैं और सिर्फ जरूरी चीजों की खरीद ही हो रही है। भैया आप ये समझो कि हमें सब इस समय अभी बात नहीं कर सकते थे आपसे, धनतेरस जो पहले निकल गई, इस बार बिल्कुल फ्री बैठे हैं और रोड पे भी पब्लिक नहीं है। क्या मानते हैं आप, क्या महंगाई है या पैसा नहीं है लोगों की बात है क्या? महंगाई तो वजह है ही, और साथ में लोगों का जो खरीदारी का जो एक उत्साह होता था वो उत्साह नहीं दिख रहा। सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, सिर्फ वही खरीद रहा, शौक से बिल्कुल खरीदारी नहीं हो रही। खरीदारी नहीं हो रही इस बार, क्या लगता है ऑनलाइन मार्केटिंग एक बड़ी वजह हो सकती है क्या? ऑनलाइन वजह है ही और महंगाई भी वजह है, मेन महंगाई ज़्यादा है। क्या किसानों की खेती नहीं हुई इस वजह से खरीदारी नहीं? छोटे छोटे कारण सब ये जुड़ के इकट्ठे तो हो ही रहे। सजावट की सामग्री बेचने वाले डालडे मातेले ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार ने स्थानीय बाजार को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि दीपावली पर लोकल को वोकल करने के लिए अगले दो दिन में ग्राहक घरों से जरूर निकलेंगे। और एक संदेश देना चाहेंगे, आप घर में ना बैठे रहें, ऑनलाइन ना शॉपिंग करें, आपके इंतजार में हम दुकानदार बैठे हैं। छोटे छोटे दुकानदार केवल इसीलिए बैठे रहते हैं कि हमारी शहर की जनता आएगी, हमें कुछ देगी, इससे हम अपने जीवन उपचार कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन ने पूरे बाजार की ऐसी की तैसी करके रखी है। बाजार में जो माहौल रहता था आप देख रहे होंगे, पूरे बाजार सन्नाटा छाया हुआ है। उतना जितना हम लोगों को उम्मीद रहती थी बाजार की, उतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें आशा है कि अभी तीन दिन हैं, शहरवासी दुकानदारों का साथ देंगे, घर से निकलेंगे, अपने लोकल से वोकल वाला शॉपिंग करेंगे। धन्यवाद। दिवाली के मौके पर आतिशबाजी चलाने वाले लोगों को इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले लगभग दोगुने दाम चुकाने पड़ेंगे। छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आतिशबाजी दुकानदारों द्वारा दुकानें लगाई गई हैं, जहां अनेक प्रकार की आतिशबाजी बेची जा रही है। यहां दुकान लगाने वाले विक्रेता रामजी गुप्ता ने बताया कि महंगाई का असर आतिशबाजी पर भी देखने को मिल रहा है और इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले दाम डेढ़ से दो गुने तक बढ़ चुके हैं। चार दिन पहले से इसकी तैयारी करते हैं, तीन दिन ये पटाखे की दुकानें लगती हैं, पूरी टीम सेट लगे हैं चारों तरफ, तो एक रात पूरी जग के ये सब व्यवस्थाएँ की जाती हैं और आज से बिक्री चालू होती है। दिवाली तक रात में 11-12 बजे तक पटाखों की दुकानें चलेंगी। किस तरह से व्यवस्थाएँ हैं कि कोई अनहोनी ना हो या सुरक्षा को लेकर आपके द्वारा? सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने हर एक दुकानदार को बॉन्ड किया है कि आप पानी का एक ड्रम अपने दुकानों के बाहर रखें, एक फायर वाला सिलेंडर रखें और रेत रखें, साथ में गवर्नमेंट द्वारा फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकर की यहाँ व्यवस्था की गई है। आपके द्वारा सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं दुकान पर? हमारे द्वारा सिलेंडर के लिए टीन सेट लगाए गए हैं जिससे कोई आगजनी का खतरा ना हो, और सिलेंडर की व्यवस्था की गई है, पानी के लिए एक ड्रम रखा गया है और बालू की व्यवस्था की गई है। किस तरह से इस बार महंगाई है, क्या है?
पटाखों के रेट बहुत महंगे हैं इस साल, पिछले साल की अपेक्षा दो गुने लगभग रेट हैं, और बाज़ार में मंदी का असर दिख रहा है, आप लोगों को ग्राहक हैं ही नहीं बाज़ार में।